सेक्युलर ज्योग्राफिक चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट श्याम एटनबरा। आज मैं आपसे एक बहुत विचित्र प्राणी के बारे में बात करना चाहता हूं, जिसका नाम है पैंथर कैमेलियन, जो कि दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग रंग बदलने वाला गिरगिट माना जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत में एक भी ऐसा गिरगिट नहीं है, लेकिन हमारे रिसर्चर्स ने पता लगाया है कि एक ऐसा गिरगिट भारत में मौजूद है। और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। Several months later. वोट बटने मत दो, गठबंधन कर लो। मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। जवाहरलाल नेहरू जी BHEL की जगह एक मंदिर बना देते, क्या इस देश की प्रगति हो सकती थी। Several months later. भगवान राम का मंदिर है, भगवान राम पे सबकी श्रद्धा है, तो भगवान राम का आशीर्वाद चाहिए। भूमि पूजन के मौके पर पूरे देश को बधाई, भगवान राम का आशीर्वाद हम पर बना रहे। मोहब्बत की सियासत से लिखी है हमने जाने कितनी ही फेक स्टोरिया के जरिया, मेरा नाम है जिहान, रंग जाऊं जिसके पास मैं जाऊं। हेलो हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का CEO श्याम शर्मा। आज मुझसे जुड़ने के लिए, आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको पता चले कि आप 10 लाख तक के इनाम कैसे जीत सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की, जिसमें लेटर्स S और N साइलेंट है। तो शायद आपको पता होगा कि गुजरात में इस साल बड़े इलेक्शंस आने वाले हैं, इसलिए हमारी आंखों को ऐसी चीजें देखनी पड़ रही हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो पंजाब में एक बहुत बड़ी जीत रजिस्टर करने के बाद आम आदमी पार्टी अपनी सारी मेहनत गुजरात के इलेक्शन जीतने पर लगा रही है, क्योंकि अगर आपको याद होगा कि पिछले गुजरात इलेक्शंस जो हुए थे उसमें बीजेपी एक बहुत छोटे मार्जिन से जीती थी। तो शायद आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि बीजेपी वीक पोजीशन में है, तो ये समय बिल्कुल सही है उनको अटैक करने के लिए। और आम आदमी पार्टी काफी जोरदार तरीके से बीजेपी को अटैक कर रही है, उनको झूठा, कपटी, छली, दानव बोल रही है। और बात सही है, देखिए बीजेपी कोई दूध से धुली पार्टी तो है नहीं, लेकिन आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी की, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो बीजेपी को छली, कपटी, दानव पार्टी बोल रही है, वो 2012 में अपने आप को पार्टी विद अ डिफरेंस दिखाती हुई आई थी। तो क्या ये आम आदमी पार्टी दूसरी छली, कपटी, दानव पार्टियों से अलग है? आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं करप्शन की। कि दिल्ली के अंदर अब हम लोगों को मिलकर भ्रष्टाचार दूर करना पड़ेगा। भाई करप्शन को खत्म करने के लिए ही तो आम आदमी पार्टी ने जन्म लिया था, लेकिन पिछले कुछ सालों में आम आदमी पार्टी के खुद के लीडर्स के ऊपर अलग अलग केसेस में एलिगेशंस लग चुके हैं। जितेंद्र सिंह तोमर जो फेक डिग्री केस में अरेस्ट हुए थे, विजय नायर जिनके ऊपर करप्शन केसेस लगने के बावजूद उनको अरविंद केजरीवाल ने सपोर्ट किया था, पंजाब MLA बलबीर सिंह जो लैंड केस में गिरफ्तार हुए थे, अमानतुल्ला खान जिनके साथियों के ऊपर वक्फ करप्शन केस में चार्जेस लग चुके हैं, DTC बसेस की खरीदारी में भी इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लग चुके हैं, और इनके MLA सत्येंद्र जैन जिनको मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उनको ब्लेम नहीं कर सकते यार, उनकी तो कोविड की वजह से याददाश्त चली गई थी। कौन हूँ मैं, क्या हूँ, मुझको पता नहीं है। और सिर्फ करप्शन एलिगेशंस में अंदर नहीं होना चाहते इनके लीडर तो भैया दंगों के केस में अंदर हो चुके हैं, चाहे निशा सिंह हो, अखिलेश त्रिपाठी हो, संजीव झा हो, ताहिर हुसैन के ऊपर दंगे भड़काने का आरोप है, अमानतुल्ला खान के साथियों के घर से इलीगल वेपन्स और पैसे बरामद किए गए हैं। इस समय आम आदमी पार्टी के इतने सारे लीडर्स अरेस्ट हो चुके हैं या इतने सारे लीडर्स के ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल मूवीज को रिव्यू करते थे, उस तरह से उनको अरेस्ट रिव्यू सीरीज भी चलानी चाहिए। कि आपको कौन सा अरेस्ट ज्यादा पसंद आया, सत्येंद्र जैन का या निशा सिंह का, कमेंट्स में जरूर बताएं। केजरिया मेरा नाम है जिहान। और फिर जो इन पर सबसे बड़ा इल्जाम लगाया गया है वो है हिंदुओं को और हिंदुओं की भावनाओं के साथ पॉलिटिक्स के लिए खिलवाड़ करना। जब ऐसा लग रहा था कि राम मंदिर बनना बहुत ही मुश्किल होगा, उस समय पर आम आदमी पार्टी के लीडर्स मंदिर की जगह हॉस्पिटल और स्कूल बनवाना चाहते थे, और अगर दोनों की सहमति हो तो वहाँ एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनवा दो जी। हिंदुओं के बच्चे भी पढ़े, मुसलमानों के भी पढ़े, क्रिश्चियन के भी पढ़े, भारतीयों के भी पढ़े, विदेशियों के भी पढ़े, सबके बच्चे पढ़े। राम मंदिर का मजाक उड़ाते थे ये। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। राम मंदिर को अटैक करते थे ये, कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते,
तो क्या इस देश का विकास हो सकता था? हिंदुओं के पावन चिन्हों को फैसिज्म से कंपेयर कर रहे थे ये लोग, लेकिन जैसे ही इन्होंने देखा कि अरे भैया राम मंदिर तो बनने वाला है, तब इनके ओपिनियंस में देखिए अगर आप थोड़ा सा चेंज नोटिस कर सकते हैं तो। अगले साल भगवान राम का मंदिर बनके तैयार हो जाएगा अयोध्या में। मैं आपको फ्री में दर्शन कराऊंगा भगवान राम के अयोध्या में। भगवान राम का मंदिर, भगवान राम पे सबकी श्रद्धा है, तो भगवान राम का आशीर्वाद चाहिए। कि भूमि पूजन के मौके पर पूरे देश को बधाई, भगवान राम का आशीर्वाद हम पर बना रहे। सर जी ने कंठस्थ हनुमान चालीसा याद कर ली यार। नौ रघुबर बिमल यश जो दायक फल चा, ये जरिया मेरा नाम है जिहान। लेकिन भाई साहब ने फिर यू टर्न मारा जब कश्मीर फाइल्स रिलीज होने के बाद उन्होंने उसको झूठी फिल्म बोली और हिंदुओं के दर्द का मजाक उड़ाया। अरे कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री फ्री हो जाएगी, राष्ट्र निर्माण करेंगे आपके साथ मिलकर, ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के। भाई साहब इतनी पलटी मारते हैं कि मैं सोच रहा हूँ इनको ओलंपिक्स में क्यों नहीं भेजा हमने अब तक। जरिया मेरा नाम है जिहान। तो एक तरफ तो केजरीवाल जी हनुमान चालीसा पढ़ पढ़ के अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट दिखाना चाहते हैं, लेकिन इनके खुद के पार्टी के मेंबर इनके एजेंडा को एक्सपोज कर देते हैं। आप देखिए आम आदमी पार्टी के जो गुजरात चीफ हैं गोपाल इटालिया, वो किस तरह से हिंदू भावनाओं को इंसल्ट कर रहे हैं। मंदिरों में जवू नहीं, जवू से शालाओं में, कॉलेजों में, विधानसभाओं में, संसद सभा में। सत्यनारायण की कथा करसे, भागवत की कथा करसे, फलाणु रोकड़ू ढेकड़ू करसे, पूछड़ू करसे, તો આ બધી ફાલતુ પ્રવૃત્તિઓ છે, બધા ફાલતુ વાતોમાં કથામાં જેને હિજડાની જેમ તાળીઓ પાડે છે। મને તો શરમ આવે છે આવા લોકો ઉપર, હિજડાની જેમ બધી પરંપરાઓમાં તાળીઓ પાડવા વાળા છક્કાઓ છે, એમનીથી આપણને કોઈ જરૂરત નથી। મંદિરોમાં જવું નથી, જવું છે શાળાઓમાં, કોલેજોમાં, વિધાનસભાઓમાં, સંસદ સભામાં, અને રિસર્ચ સેન્ટરો હોય, સાયન્સ રિસર્ચ સેન્ટર, એમાં જવું છે, ન્યાયાલયોમાં જવું છે। देखिए इनके पार्टी के जो लीडर्स हैं वो ऐसे कार्यक्रम अटेंड कर रहे हैं जहां पर सीधा सीधा हिंदुओं की तौहीन की जा रही है। मैं राम और कृष्ण को, राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा, और ना ही कभी उनकी पूजा करूंगा। हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को, किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। और इनके पार्टी के लीडर खुल्लम खुल्ला एंटी हिंदू साइंस लगा रहे हैं गुजरात में। ऐसे बनेंगे हिंदू हृदय सम्राट भाई साहब? अरे भैया जितना भी हिंदू हृदय सम्राट बनने की कोशिश करेंगे, जो इनकी असलियत है वो तो दिखी जाएगी ना। सुअर के ऊपर लिपस्टिक लगाने से वो कटरीना कैफ तो नहीं बनने वाली ना। और इतना ही नहीं, ये हिंदू हृदय सम्राट जो है, इनके पार्टी के लीडर खुल्लम खुल्ला खालिस्तानियों से मिलके आते हैं। इनके लीडर्स के ऊपर पहले भी आरोप लगे हुए हैं कि ये खालिस्तानियों के कुछ ज्यादा ही करीब हैं। जरिया मेरा नाम है जिहान। आप सोचिए एक ऐसा आदमी जो अपने आप को श्रीराम का भक्त बताता है, डॉक्टर अंबेडकर का भक्त बताता है, भगत सिंह का भक्त बताता है, उसने तीनों को ही धोखा दे रखा है। खालिस्तानियों से दोस्ती करके भगत सिंह को धोखा दिया, इस्लामिज्म की प्रॉब्लम को इग्नोर करके डॉक्टर अंबेडकर को धोखा दिया, और श्रीराम को तो खैर आपने देखा ही कैसे धोखा दिया। और देखिए जो लेफ्ट विंगर्स है ना, ये हमको हमेशा अंबेडकर की अधूरी कहानी ही दिखाते हैं। वो हमें सिर्फ बताते हैं कि अंबेडकर जी ने हिंदुइज्म के बारे में क्या बोला, डॉक्टर अंबेडकर ने इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या बोला है, हमें ये कभी नहीं बताया जाता। और अंबेडकर जी को समझने के लिए इन दोनों रिलीजन पे भी उनके व्यूज जानने जरूरी हैं। इसलिए आज की ऑडियो बुक सजेशन इज ब्रॉट टू यू बाय कुकु एफएम, इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म। इमेजिन कीजिए कि एक ऑडियो बुक को पढ़ना एक हार्ड कवर किताब से कितना ज्यादा आसान है। कहीं भी किसी टाइम कुछ भी करते समय आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं। आज की ऑडियो बुक का नाम है डॉक्टर बी आर अंबेडकर, जो कि आपको डॉक्टर अंबेडकर की पूरी लाइफ की कहानी बताती है, ताकि आप उनका पूरा वर्ल्ड व्यू समझ सके। तब आपको समझ में आएगा कि हिंदुइज्म से प्रॉब्लम होने के बावजूद हिंदुइज्म को छोड़ते समय उन्होंने इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को क्यों नहीं कबूल किया, बुद्धिज्म जैसे एक भारतीय धार्मिक धर्म को क्यों ज्वाइन किया। और देखिए आपका अतीत चाहे जैसा भी रहा हो, आपकी अंग्रेजी पर पकड़ जैसी भी हो, इस दिवाली तरक्की पर है सबका।
का हक। और इसलिए कुकू एफएम के जरिए आप वर्ल्ड फेमस किताबें हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस में सुने और पाए वो ज्ञान जो आपकी जिंदगी बदल देगा। इस दिवाली कुकू एफएम का ऐप डाउनलोड करके कोड इस्तेमाल करें दिवाली 50, अपनी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर पाए 50% ऑफ और 10 लाख रुपए तक का इनाम जीतने का मौका भी पाए। तो अभी के अभी कुकू एफएम डाउनलोड करें और बनाए ये दिवाली कामयाबी वाली। इनके इलेक्शन प्रॉमिसेस की भी बात करते हैं। इलेक्शन के पहले ये कुछ भी प्रॉमिस करने को तैयार हो जाते हैं। इलेक्शंस के पहले ये कहते हैं कि भाई आम आदमी को हम मिनिस्टर्स वाली ट्रीटमेंट देंगे। पंजाब इलेक्शन के पहले उन्होंने औरतों के खातों में हजारों रुपए प्रॉमिस किए थे। 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए उसके अकाउंट में हम डलवाया करेंगे। अगर एक परिवार में एक बेटी है, एक बहू है, एक सास है, तो तीनों के अकाउंट में 1000-1000 रुपए आएंगे। इन्होंने ये भी कहा था कि भाई गवर्नमेंट के पास पर्याप्त पैसे हैं, ये सारे प्रोमिसेस हम आराम से डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन इलेक्शन खत्म होते ही अपने प्रोमिसेस फुलफिल करने के लिए इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने झोली फैला दी। बड़ा होमवर्क करके जाता हूँ मैं, पैसा कहाँ से आएगा, कैसे करेंगे, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, सारी तैयारी करके फिर मैं जाके कहता हूँ कि महिलाओं को 1-1000 रुपए देंगे। तो मैंने मांग की है उनसे कि 50,000 करोड़ पर ईयर कम से कम 2 साल के लिए अगर हमें एक पैकेज मिल जाए पंजाब के लिए। आपने रॉबिन हुड का तो नाम सुना होगा। अरविंद केजरीवाल जी कलयुग के रॉबिन हुड हैं। जनता से ही पैसा लूट के जनता को बांटने लगते हैं। और आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी जब करप्शन के खिलाफ बात करते थे तो कांग्रेस और बीजेपी को VIPs की तरह ट्रैवल करने के लिए भी खूब अटैक करते थे। आप निजी हेलीकॉप्टर और निजी हवाई जहाजों में घूमते हैं, आपके पास कितने हवाई जहाज हैं और कितने हेलीकॉप्टर हैं, ये किसके हैं? आपको आपने ये पैसे में लिए हैं कि उनको उन्होंने आपको फ्री में दिए हैं? और आपकी हवाई जहाज की यात्राओं पर कितना खर्च आता है? इन्होंने अपनी इमेज ऐसी बना रखी थी कि अरविंद केजरीवाल ने 8 साल तक अपना फोन नहीं रिचार्ज करवाया। भैया मुझे कहा कि मैं आपको वापस फोन इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरे वाले में है ही नहीं। इन्होंने पता सामने से क्या कहा, कहता मैं आपको इसलिए वापस नहीं कर पाया, मेरे वाले में है ही नहीं। लेकिन अब इनकी खुद की हालत देखिए। आपको बता दें कि राजस्थान पत्रिका के कार्यक्रम में शामिल हुए अरविंद केजरीवाल और उसके बाद शाम 6 बजे रेलिगेयर कंपनी के प्राइवेट विमान से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। हम लोग दिल्ली से एक और नई किस्म की शुरुआत करना चाहते हैं, ये VIP कल्चर खत्म करना चाहते हैं। केजरिया मेरा नाम है जी हाँ। तो इस पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड हम अगर डिटेल में देखेंगे तो सवाल ये उठता है कि जो पार्टी पार्टी विद अ डिफरेंस बनने का दावा करती है वो एक्चुअली कितनी डिफरेंट है। इन्होंने इतने साल पहले दावा किया था कि ये पॉलिटिक्स में आकर पॉलिटिक्स को चेंज करना चाहते हैं, तो इन्होंने अभी तक किया क्यों नहीं है पॉलिटिक्स को चेंज? तो करना। ये सारे वैसे काम क्यों कर रहे हैं जिसका ब्लेम इन्होंने कांग्रेस और बीजेपी के ऊपर लगाया है? और ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये पार्टी विद अ डिफरेंस जो है ये बाकी पार्टियों से डिफरेंट कैसे है? आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है, क्या आम आदमी पार्टी गुजरात के इलेक्शंस में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी को कड़ी टक्कर दे पाएगी? आप हाँ या ना नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। वंस अगेन डॉक्टर BR अंबेडकर की ऑडियो बुक अगर आप सुनना चाहते हैं तो नीचे कुकू FM के लिंक पर क्लिक करके साइन अप करके आज ही उस ऑडियो बुक को चेकआउट करें। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दें, थम्स अप दें, इससे मेरी बहुत मदद होती है, इससे शो की बहुत मदद होती है। अगर आप शाम शर्मा शो मग क्लब ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे पेट्रियन के लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन करें। अगर आप शाम शर्मा शो का नया मर्च चेकआउट करना चाहते हैं तो नीचे मर्च स्टोर पर क्लिक करके उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम।